सलाम अलैकुम बच्चों, एक कहानी सुन। एक कहानी कही की मान कैसी मान एक बादशाह रहता। वो बादशाह क्या करता, अच्छा दिल वाला रहता। तो एक फकीर आता तो उसको क्या करता, अच्छा बुला के बिठा के अपना खाना वाना खिलाता उसको, तो फकीर खुश हो जाता। और फकीर को एक मंत्र आता था। ये कहानी की बात है, सच्ची नहीं रहता ऐसा, मगर कहानी में है। सुनो कहानी कैसी रहती। तो वो मंत्र रहा था, मंत्र क्या रहा था, मैं बोला मैं तुमको एक मंत्र सिखा दूंगा, मगर तुम किसको बताना नहीं, बोलता किसको बताना नहीं, अच्छा नहीं बताऊंगा बोलता। उन्हें बोला मैं एक ऐसा मंत्र सिखाता हूँ कि तुम तुम्हारे जिस्म में से अपनी आत्मा निकाल के, अपनी रूह निकाल के दूसरे जानवर में, दूसरे परिंदे में, कहीं भी डाल के जैसे तुम फिर सकते, फिर आना, फिर तुम्हारी वापस जिस्म में डाल सकते। हाँ बोले बहुत अच्छी चीज है बोले। अब वो उसके जिस्म में वो मंत्र सिखा देता, जिन्हें कोई भी परिंदा खूबसूरत परिंदे दिखा तो उसमें अपनी आत्मा डाल देता था और उड़ता था, जैसा कबूतर में कभी इसमें कभी इसमें, ऐसा करते रहता था। अब वो क्या हुआ, एक ये चीज इसने इसके मंत्री को मालूम, मंत्री बहुत होशियार था वो बेटा। उन्हें बोला अच्छा इसके पास एक, पहले इसकी बीवी को बोलता, बीवी से मालूम हो जाता, फिर मंत्री को भी मालूम हो जाता कि भाई ऐसा इसको मंत्र आता बोल के। अब उन्हें एक दिन क्या होता है, काम में बहुत रुकावट आ जाती, तो वजीर बोलता कि मेरे को मंत्र बता दे, मैं आप काम हल कर दूंगा। तब अच्छा बता देता, तो बताने नहीं तुम भी किसको, मैं से तो उन्हें मंत्र बता देता, बोलता ऐसा मैं जो या तो तुम भी ये मंत्र सीख रहे तुम कर सकते। तो वो होशियार होता, एक दिन शिकार को जाता, बादशाह साथ में रहता, बादशाह को साथ में लेके जाता। बादशाह जो देखता हिरण भाग रहा है, अरे हिरण अच्छा भागता है, तो बोलता वो हिरण पकड़ के ला, हिरण पकड़ के ला के तो उसमें अपनी आत्मा डाल देता, बादशाह की आत्मा हिरण में, और खुद जो है तो उसका जैसे मुर्दे के जैसा पड़ा हुआ रहता, भाग रहा भाग रहा भाग रहा हिरण के जैसा। अच्छा इन्हें क्या करता मालूम, वो चले जाता जंगल में। अब इसकी जो है तो बादशाह की जिस्म पड़ा हुआ रहता, आत्मा निकली हुई थी जिस्म पड़ा हुआ रहता। तो उन्हें क्या करता मालूम, वजीर क्या करता, जड़ से मंत्र तो सिखा होता, अपने अपनी आत्मा निकाल के बादशाह के जिस्म के अंदर डाल देता। जिस्म बादशाह का रहता, आत्मा वजीर की रहती, और अपने जिस्म के टुकड़े कर देता खुद के मंत्री, और वहीं दफन कर देता। अब वो बादशाह के और निकल के आया था, अब वो घर महल में आया था, और बादशाह आके जो तो हिरण की शक्ल में था, ढूंढ रहा उसका जिस्म ही नहीं दिख रहा, और परेशान हो वो, कभी कबूतर बन रहा कभी ये बन रहा बन रहा, मगर वो खुद तो बादशाह तो बन नहीं सकता। बादशाह क्या करता मान, अब जो नकली बादशाह रहता है हा? क्योंकि इसके अंदर जो तो कि आत्मा निकल गई, वो जानवर में बन के फिर रहा उन्हें असली बादशाह, ये नकली बादशाह जो तो बादशाह के जिस्म में तो सब समझते ही नहीं बादशाह है, बीवी से भी मिल लेता उसकी बीवी और राज करना शुरू कर देता। अब इन्हें क्या करना क्या करना, बहुत ही परेशान होता, उसकी बीवी को मालूम नहीं होता, उन्हें समझती सच्ची के बाद अपना बादशाह। अब वो जब इन्हें क्या करता उन्हों? कबूतर बन जाता, कबूतर बन के उसके घर तक जाता, कहा महल में, महल में जाके क्या करता, अकेले में बीवी को देखे बोले कबूतर, बोलता कि मेरी उसके अंदर की आत्मा में ये कबूतर में आ गई, और वो जो है तो वजीर है बोले, और उसकी जो है उसके अंदर वो जिसम मेरा है और उसकी आत्मा वजीर की है, वो असली बादशाह नहीं है, असली तो मैं छो कबूतर बोल, ऐसा है क्या, तो बोले ऐसा। उन्हें क्या करती, फिर इन्हें जब उड़ते जाता तो उन्हें बोलती देख कबूतर कितना अच्छा उड़ता, तुम भी कबूतर बन के मेरे को दिल बहलाओ ना कबूतर। उन्हें देखता है कबूतर पकड़ के लाके उसमें अपनी आत्मा डाल के उड़ने लगता। अब ये कबूतर दूसरा जो है तो इन्हें बादशाह भी कबूतर की शक्ल में था, उन्हें आ जाता, आके क्या करता, अब जिसम जब निकल गई आत्मा तो इसका भी जिसम मुर्दे के जैसा, यानी बादशाह का जिसम फिर से दिख गया, इसको अपने जिस्म में से निकाल के वो आत्मा अपने फिर अपने असली जिस्म में चली जाती।
बादशाह फिर से असली बादशाह बन जाता। अब ये वजीर आता, अब देखता कबूतर बन के, अब उन्हें तो जिसम में तो बादशाह की आत्मा आ गई, नहीं अपन तो कायम धारा। अब जो ढूंढता जंगल की तरफ, अपनी अपना जिसम तो खुद ही तोड़ के फेंक दिया था उसने, इसलिए अब उन्हें हमेशा के वास्ते जानवर बन जाता और ये बादशाह इस असली बादशाह बन के रहता है। ना मजे की कहानी, इंशाल्लाह फिर कहानी सुनाएंगे। खुदा हाफिज बच्चों।